मैंने शामिर को तलाक दे दी। उसने तुम्हें तलाक दे दी? हर दफा मर्द औरत को तलाक नहीं देते, इस बार औरत ने तलाक दी। बस ऐसा लगता है मुझे कि हमें ना अजरा पे थोड़ा रहम करना चाहिए, पर क्योंकि उसकी तन्हाइयों का जिम्मेदार मैं हूँ, ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा। मर्द अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। शामिर ने बच्चा छीन कर मुझे तलाक दे दी तो? नहीं अजरा, अब तुम्हें फिर उसे। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जिंदगी में इतनी बदगुमानियाँ अच्छी नहीं होती, कभी कभी इंसान को अपनी खुशी के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तो खुश नसीबी है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए इज्जत से रिश्ता भिजवाया मैंने। तुम्हारे पुराने आशिक की तरह नहीं, पहले सारे मजे लूँ और फिर शादी से इनकारी कर दो। ये तो कासिर है, मैं जानती हूँ ये मेरे बाबा की दूसरी बीवी का रिश्तेदार है। तुम एक बार अशर की बात सुनती तो? बचपन से उन्हीं की तो सुनती आ रही हूँ, उन्हें देखे बगैर तो दिन नहीं गुजरता था मेरा। मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने दो, फिर उसकी मर्जी वो जो चाहे करे। नफरत करती हूँ, आज लड़के वाले मुझे देखने आ क्या बोल के रोकेंगे कि मेरी बेटी जिससे मोहब्बत करती थी उस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम है। तो मुझे डाइवोर्स दे दो। तुम मुझ पे यकीन करने की कोशिश करो, खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं तो आपकी नफरत को भी याद ही रखना चाहती, क्योंकि नफरत का रिश्ता भी तो एक रिश्ता। अब तो डोर कैसे लॉक कर सकता है वो, और बेड पर कैसे लेटा होगा बगैर किसी सहारे के? वो अकेले नहीं थे, एमन थी उनके साथ। ओ, तो ये बात है। बिना मेहमान पका को तो छोड़ो। क्या लाए? चले काम करूंगा मैं, क्यों काम करूंगा। चलो चलो यही से यही से यही से यही से। तो हम इस दुनिया को का सब कुछ जबा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, दुनिया हमारा कुछ बिगाड़। बड़ा मैंने सोचा कि लाइन को कैसे मोड़ के ले आऊं। मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम मुझे याद किया। माजी की कुछ यादें इंसान की तरह हकीकतें बन जाती हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मगर उम्र भर नहीं तय हुए थी जो दूरियां थे जो फासले। सिकंदर साहब आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, हमें कुछ शहीर के बारे में पता चला। एक ही दिन में हमारे साथ इतने सारे वाकयात हो गए। बिल्कुल सही कह रही हो, दरअसल हमारी सामरी जादूगर से दुश्मनी जो चल रही है। सर जी ये मजाक की बात नहीं है, आप किसी बाबा से कांटेक्ट करें ताकि इस जादू का असर टूटे। अब मॉम मेरे दोस्त हैं शाहरुख, उसके घर में बाबा आते हैं, उसके घर में भी असर आते हैं। बाबा के घर में? अरे नहीं यार, शाहरुख के घर में। तुम ना जल्दी से शाहरुख को कॉल करो और बाबा को बुलवा। ठीक है। चलो भाई, इसी बात की कसर रह गई थी कि इस घर में जादू टोना ही होना रह गया था। हद होती है यार। खराब होगा।